नमस्ते बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया लेसन, पार्ट 23, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मानव में श्वसन तंत्र। इसका मैं अभी पार्ट 1 ले रही हूँ। इस पार्ट 1 में हम लोग पढ़ेंगे कि श्वसन क्रिया क्या है और श्वसन क्रिया में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, यानी कि श्वसन तंत्र की संरचना क्या है। तो ये दो टॉपिक हम इस पार्ट 1 में कवर करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं श्वसन क्या है। तो बच्चों, श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें कोशिकाओं के अंदर जो हमारा पचित भोजन पहुंचा है उसका ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप एटीपी ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। इसको कुछ इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया के रूप में लिखा जाता है। देखो, ये है हमारा ग्लूकोज C6H12O6। तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है और ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी ऊर्जा मुक्त हो रही है। यहाँ पर बच्चों, जो एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है वह ऊर्जा कोशिकाओं के अंदर संग्रहित कर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हानिकारक होती है, इसलिए इसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है और जल ये जैविक क्रियाओं के लिए प्रयुक्त कर लिया जाता है। और जब हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ये जो संग्रहित एटीपी है वह एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस द्वारा एडीपी यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में बदल जाता है और अकार्बनिक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो जाता है और ऊर्जा यानी कि एनर्जी मुक्त हो जाती है। तो बच्चों, जब भी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि श्वसन क्या है या श्वसन को परिभाषित करें, तो आप इन पॉइंट्स का वहां पर उपयोग कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, देखिए श्वसन कितने प्रकार से होता है। तो बच्चों, दो प्रकार से श्वसन होता है। पहली क्रिया श्वसन के प्रकार जो है दो होते हैं। पहला कहलाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन यह एक भौतिक प्रक्रिया होती है जिसको हम ब्रीदिंग या वेंटिलेशन भी कहते हैं और इस क्रिया में हम पर्यावरण और हमारी कोशिकाओं के बीच में गैसेस कौन सी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इनका विनिमय यानी कि एक्सचेंज किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है। तो ये किस तरह से होता है कि वायुमंडल या पर्यावरण में जो ऑक्सीजन गैस है वो हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती है और कोशिकाओं के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी हुई है उसको यहाँ से बाहर निकाला जाता है। तो यह सिर्फ एक भौतिक प्रक्रिया है और यहाँ कोई भी तरह की दूसरी रासायनिक अभिक्रिया या जैव रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही। दूसरा प्रकार है इंटरनल, आंतरिक या सेलुलर रेस्पिरेशन। तो बच्चों, ये जो आंतरिक श्वसन है ये एक जैव रासायनिक क्रिया है और इस क्रिया में कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का प्रयोग होता है यानी कि भोजन का ऑक्सीकरण होता है और उससे एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, आंतरिक रेस्पिरेशन है, ये बच्चों दो तरह से होता है। एक कहलाता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, इसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि वायवीय श्वसन, और दूसरा कहलाता है एनएरोबिक यानी कि अवायवीय श्वसन। इन दोनों में बच्चों अंतर यह होता है कि वायवीय श्वसन हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, यानी कि जो अभी अभिक्रिया हम पहले पढ़कर आए हैं जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपघटित हो रहा था, ऑक्सीडाइज हो रहा था और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी बन रहे थे। तो ये था हमारा वायवीय, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन से एटीपी ऊर्जा उत्पन्न करना। क्लियर? अवायवीय श्वसन में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीजन का कोई भी प्रयोग नहीं किया जाता, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये रेस्पिरेशन या इस विधि से ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है। इसको हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन को हिंदी में कहते हैं किण्वन। तो ये किण्वन की क्रिया भी
कहलाती है। देखो यहाँ पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन दो तरह से होता है। देखो पहली विधि को अपन यहाँ देखते हैं, यहाँ पर देखो ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है, बदल रहा है C2H5OH में, ये है इथेनॉल या एल्कोहल, यहाँ मैं लिख रही हूँ इसको इथेनॉल या एल्कोहल। और दूसरी जो रिएक्शन यहाँ शो करी है मैंने, इसमें ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक अम्ल के अंदर, और ऊर्जा दोनों अभिक्रियाओं में मुक्त हो रही है। तो बच्चा यहाँ पर जो इसमें ग्लूकोज का अंतिम उत्पाद है इथेनॉल या एल्कोहल या लैक्टिक एसिड, इसके बेस पे इस फर्मेंटेशन को नाम दिया जाता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो हमें ज्ञात है वो है फंजाई, ईस्ट का। ईस्ट का एल्कोहल उत्पादन में बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और दूसरा जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, इसके लिए बच्चों बहुत से बैक्टीरिया और साथ ही साथ कुछ परजीवी वॉर्म्स जो होते हैं, जैसे एस्कैरिस है, टैप वॉर्म है, वो भी हमारी मदद करते हैं। चलो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसको मैंने थोड़ा अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में डिवाइड कर दिया है। पहला है श्वसन मार्ग, दूसरा है श्वसन अंग और तीसरा है श्वसन सतह। सबसे पहले बात करते हैं श्वसन मार्ग की। तो श्वसन मार्ग नासा छिद्र, नासा गुहा, नासा ग्रसनी गुहा, कंठ, श्वास नली और श्वसनी से मिलकर बना हुआ होता है। एक चित्र के द्वारा इनको समझते हैं हम। ये देखो यहाँ पर बच्चों जो हमारा नासा छिद्र होते हैं, ये इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो बाह्य नासा छिद्र जो हमें अपने चेहरे पे दिखाई देते हैं, ठीक है, जो नाक की हमारी ओपनिंग है वो बाह्य नासा छिद्र है। बाह्य नासा छिद्र एक छोटे से रास्ते से होते हुए अंदर की तरफ खुलते हैं, और दूसरे होते हैं हमारे आंतरिक नासा छिद्र। तो यहाँ पर ये जो मैंने प्रदर्शित किया है ये है हमारा आंतरिक नासा छिद्र जो अंदर की तरफ जाकर नासा गुहा में खुल रहा है। तो ये भाग है हमारा नासा गुहा। इसके बाद ये एक चौड़े से भाग में खुलता है जिसको हम कहते हैं नासा ग्रसनी गुहा। ये नासा ग्रसनी गुहा जो है ये मुख गुहा और नासा गुहा दोनों की कॉमन ओपनिंग होती है। तो ये हमारी जो है ये कौन सी ओपनिंग है, ये हमारी माउथ वाली ओपनिंग है। तो ये मुख गुहा और ये नासा गुहा, तो दोनों की कॉमन ओपनिंग है नासा ग्रसनी गुहा। ये पीछे की तरफ कंठ में, ये जो भाग हमें यहाँ दिखाई दे रहा है ये कहलाता है कंठ। कंठ कंठ से होते हुए ये जो नलिकाकार संरचना हमें दिखाई दे रही है ये हमारी श्वास नली, और ये आगे विभाजित हो जाती है श्वसनी में। तो इस तरह से ये नासा मार्ग का निर्माण करते हैं। बच्चों नासा मार्ग में जो अस्थियां उपस्थित होती हैं उसके बारे में हम देखें तो नासा मार्ग में तीन अस्थियों से मिलकर यह बना हुआ होता है। पहली है नेजल, दूसरी है मैक्सिला और तीसरी है इथमोइड। जरा एक छोटे से चित्र के द्वारा इनकी पोजीशन मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ बच्चों। तो ये हमारी आईज है, ठीक है, आईज के जो गड्ढे हमारे स्केलेटल में दिखाई देते हैं तो इनको हम कहते हैं ऑर्बिटल कैविटी। तो ऑर्बिटल कैविटी के बिल्कुल बीच में यहाँ कुछ ऊपर की तरफ ये हमारी इथमोइड बोन प्रेजेंट होती है। ये हमारी जो है ना इसका रूफ या छत का निर्माण करती है नासा गुहा की। इसकी रूफ बना रही है ये रूफ बना रहा है नासा गुहा का, ठीक है। और ये हमारे नासा गुहा को ऊपर हमारे ब्रेन प्रेजेंट है तो नासा गुहा को ब्रेन से अलग करता है। एथमोइड के साथ में जुड़ी हुई जो हमारी नाक की हड्डी मेन बोन होती है ये वो मेन बोन है जिसको हम कहते हैं नेजल बोन, नेजल बोन। और यहाँ पर बच्चों ये ओपनिंग होती है हमारी नेजल ओपनिंग नासा छिद्र जिसको हम कहते हैं। और नीचे की तरफ यहाँ से लेकर कुछ इस तरह से ये हमारे बोन है मैक्सिला,
ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये है हमारी मैग्जिला बोन। मैग्जिला बोन जो कि हमारे ऊपर के जबड़े का निर्माण करती है, ठीक है। तो ये तीनों बोन्स की पोजीशन, तो ये दोनों आंखों के बीच में ऊपर की तरफ रूफ बना रही है, नासा गुहा की छत बना रही है, ये है इथमोइड बोन। बेस बना रहा है मैग्जिला और बाहर से कवर कर रहा है नेजल बोन। तो इस तरह से हमारी नासा मार्ग का निर्माण होता है। अब हम ये जितने भी हमने नासा मार्ग के अंग देखे हैं, पार्ट्स देखे हैं, इन सब के थोड़े डिटेल पढ़ते हैं। तो देखो नासा छिद्र क्या करता है कि नासा छिद्र या नासा द्वार ये वायु को अंदर प्रवेश कराता है। इस छिद्र के द्वारा वायु अंदर प्रवेश करेगी और यहाँ पर बच्चों बहुत सारे रोम उपस्थित होते हैं और श्लेष्मा भी पाई जाती है। ये दोनों वायु को छानने का काम करते हैं और अनावश्यक कणों को यहीं रोक देते हैं। तो रोम क्या करता है, रोम काम करता है इन कणों को रोकने का और श्लेष्मा काम करती है इन कणों को बांधने का। इस तरह से रोम और श्लेष्मा की मदद से जो भी गंदगी होती है हवा में वो छन कर नासा छिद्र के द्वारा ही रोक ली जाती है और शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। आगे चलते हैं नासा गुहा। नासा गुहा बच्चों वायु को नम बनाने का काम करती है, नम बनाती है और ये हमारी जो वायु का टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को भी कंट्रोल करती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हवा के तापमान को कहाँ पे नियंत्रित किया जाता है, तो नासा गुहा में नियंत्रित किया जाता है। जैसे अगर वायु बहुत ज़्यादा ठंडी है तो वो जब नासा गुहा से पहुँचेगी, नासा गुहा से गुजरेगी और फेफड़ों तक पहुँचेगी, तब तक उसका तापमान हमारे शरीर के तापमान के लगभग बराबर सम कर लिया जाएगा, ठीक है। अब ये जो वायु है ये नासा, देखो यहाँ पे इस डायग्राम में आओ एक बार, यहाँ से वायु आंतरिक नासा छिद्र से प्रवेश करा इसने, ये नासा गुहा से होती हुई अब ये पहुंच गई नासा ग्रसनी गुहा में और यहाँ से होती हुई ये हमारे कंठ से होती हुई गुजर रही है। तो यहाँ पर कंठ बच्चों एक ट्राइंगल त्रिभुजाकार संरचना होती है और ये उपास्थियों का सहारा प्राप्त करके यहाँ लगी हुई रहती है। और कंठ के ऊपर बच्चों एक ढक्कन भी पाया जाता है जिसको हम घाटी ढक्कन या एपिग्लॉटिस कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपको इस चित्र के अंदर अगर आप देखो तो आपको एक ये छोटा सा पोर्शन आपको उभरा हुआ दिखाई दे रहा है श्वास नली के ठीक ऊपर की तरफ, ये है एपिग्लॉटिस, ठीक है, या घाटी ढक्कन। और यहाँ से वायु जो है वो हमारी श्वास नली के अंदर प्रवेश कर रही है। कंठ में बच्चों वोकल कॉर्ड्स या स्वर रज्जु भी होते हैं जो ध्वनि को उत्पन्न करने का काम करते हैं। आगे देखते हैं जो श्वास नली है, श्वास नली की लंबाई बच्चों लगभग 12 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ से यहाँ तक जो श्वास नली हमें दिखाई दे रही है लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी है और ये वक्ष गुहा तक फैली रहती है। फिर ये पांचवी कशेरुक जो वर्टिब्रल कॉलम है हमारे पीछे मेरुदंड है उसकी पांचवी कशेरुक के पास में ये दो भागों में बढ़ जाती है, दो श्वसनियों में बढ़ जाती है, ये एक और ये दो, और दोनों श्वसनियों में विभाजित होकर ये फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। अब एक स्ट्रक्चर बच्चों आप यहाँ श्वास नली में देखो चित्र में, तो ये आपको सी आकार के ये छल्ले दिखाई दे रहे हैं। ये जो सी आकार के छल्ले हैं ये श्वास नली में भी उपस्थित है और यहाँ पर श्वसनी में भी उपस्थित है। इनके कारण, इन उपास्थि के छल्लों के कारण ये श्वास नली आपस में चिपकती नहीं है। एक जो पाइप की दोनों अंदर की पूरी वॉल है वो आपस में चिपकती नहीं है। तो एक प्रश्न भी आता है कि अगर श्वास नली में हवा नहीं हो तो भी वह पिचकती क्यों नहीं है, तो उसका उत्तर यही है कि श्वास नली और श्वसनी में सी आकार के उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं जो उसको सहारा देते हैं और चिपकने से रोकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा नासा मार्ग के बारे में। अब देखो बच्चों श्वसन अंग, श्वसन अंग है हमारे फेफड़े और श्वसन सतह है जहां पर गैसों का विनिमय होगा वो है वायु कूपिकाएं। इन दोनों के स्ट्रक्चर के लिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो इस चित्र में हमें फेफड़ों की पोजीशन दिखाई गई है, तो फेफड़े हमारे शरीर में
वक्ष गुहा में उपस्थित है, हमारी वक्ष गुहा। तो ये जो बच्चों वक्ष गुहा है, इसका निर्माण कैसे हो रहा है ये समझना बहुत जरूरी है। तो जरा इस चित्र में थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। तो देखो ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम से मैं यहाँ पे इसको इस तरह से प्रदर्शित कर रही हूँ। और आगे की तरफ बच्चों एक छोटी सी अस्थि उपस्थित होती है जिसको हम कहते हैं स्टर्नम। ये आगे की तरफ उपस्थित है स्टर्नम, ठीक है। तो एक बार इसकी वापस अपन पोजीशन देखें तो ये पीछे की तरफ तो हमारी पृष्ठ सतह पर रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी और आगे की तरफ बच्चों एक छोटी सी अस्थि उपस्थित होगी जिसको हम कहेंगे स्टर्नम। और ये स्टर्नम और रीढ़ की हड्डी के बीच में इस तरह से रिब्स प्रेजेंट होती हैं, पसलियां उपस्थित होती हैं ऐसे, यहां से ऐसे, यानी कि ये पसलियां जो हैं वो आगे की तरफ स्टर्नम से बंधी हुई होती हैं और पीछे की तरफ हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके साथ में बंधी हुई होती हैं। तो ये इस तरह से पूरा एक घेरा बन रहा है, ठीक है, ये इस तरह से ये पूरा एक घेरा बन रहा है पसलियों का। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा मार्क करती हूँ। और एक देखो मैंने यहाँ पे तीन स्ट्रक्चर्स तो आपको दिखा दिए, पहला स्ट्रक्चर ये, दूसरा स्ट्रक्चर ये, तीसरा स्ट्रक्चर ये, और चौथा स्ट्रक्चर यहाँ पेट के पास उपस्थित होता है ये, इसको हम कहते हैं डायफ्राम। तो इन चारों स्ट्रक्चर्स से मिलकर हमारी वक्ष गुहा का निर्माण होता है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है वो क्या है, वो है हमारा वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, हमारा रीढ़ की हड्डी। दूसरा स्ट्रक्चर जो आगे की तरफ मैंने बनाया है वो है स्टर्नम। तीसरा स्ट्रक्चर है पसलियां या रिब्स, और चौथा स्ट्रक्चर है हमारा डायफ्राम, ठीक है। तो स्टर्नम कहाँ स्थित है, ये स्थित है हमारे शरीर की अधर सतह पर, ये स्थित है हमारे शरीर की पृष्ठ सतह पर, रिब्स या पसलियां पार्श्व सतह पर, और डायफ्राम निचली सतह पर। तो इस तरह से ये पूरा एक एरिया बन जाता है जो कि एक गुहा की तरह, कैविटी की तरह बन जाता है जिसको हम कहते हैं वक्ष गुहा। इस वक्ष गुहा में रिब केज, इसको रिब केज भी कहा जाता है, पसलियों से बना हुआ पिंजरा जिसके अंदर दो फेफड़े उपस्थित होते हैं। ये यहाँ पर देखो इनको बड़ा चित्र करके मैंने आपको दिखाया है। तो ये जो गोले आपको दिखाई दे रहे हैं ये हमारे इन्हीं पसलियों के कटे हुए हिस्से दिखाई दे रहे हैं, और ये दो फेफड़े। तो जो दाया फेफड़ा है बच्चों उसमें तीन पालियां होती हैं, एक दो, फर्स्ट ये सेकेंड और ये थर्ड। और बायां जो फेफड़ा होता है उसमें दो पालियां होती हैं, वन एंड टू। ऊपर वाली जो सबसे बड़ी पाली है दाई और बाई दोनों तरफ, उसको हम कहते हैं सुपीरियर लोब। सेकेंड कहलाती है एम आई, आई है ये मिडल लोब। और जो थर्ड है ये कहलाती है इंफीरियर लोब, ठीक है। यहां पर भी इसको हम कहते हैं सुपीरियर लोब और ये सेकेंड कहलाती है इंफीरियर लोब। तो इस तरह से हमारी वक्ष गुहा में रिब केज में दो फेफड़े उपस्थित हैं और दोनों फेफड़ों में जो है अलग अलग पालियां हैं, दाएं फेफड़े में तीन और बाएं फेफड़े में दो पालियां उपस्थित हैं, ठीक है। अब देखें फेफड़ों के ऊपर आवरण कैसा होता है। तो फेफड़ों को अगर आप नोटिस करो बच्चों तो आपको यहाँ पर दो आवरण दिखाई दे रहे हैं, ये एक पहला आवरण और ये दूसरा आवरण। दोनों आवरणों के बीच के अंदर बच्चों ना तो हवा होती है, यहाँ पर एक लिक्विड भरा हुआ होता है दोनों आवरणों के बीच में। तो ये दोनों आवरण क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं फुफ्फुसावरण, और इसके बीच में एक द्रव भरा होता है जिसको हम कहते हैं प्लूरल फ्लूड। तो बच्चों ये यहाँ पे इस तरह से हमारा रिब केज बन रहा है, ये पसलियाँ हैं, ये हमारी बीच वाली हड्डी है स्टर्नम, ये यहाँ पे इस तरह से पसलियाँ इससे जुड़ रही हैं स्टर्नम से, पीछे की तरफ ये जुड़ती हैं वर्टिब्रल कॉलम से, मेरुदंड
जो हमारा है उससे जुड़ती है। तो इस तरह से ये रिब केज बना लेती है। तो हमारा जो रिब केज और हमारा जो फुफ्फुस आवरण है, ये दोनों मिलकर बाह्य आघातों से हमारे फेफड़ों की रक्षा करते हैं। तो बाह्य आघातों से फेफड़ों को बचाने का काम करते हैं। क्लियर यहां तक के पॉइंट्स? अब एक चीज और यहाँ पे हम स्टडी करते हैं कि प्रत्येक फेफड़े के अंदर एक श्वसनी प्रवेश कर रही है। तो ये तो हमारी श्वास नाल थी, श्वास नली, और ये दो भागों में विभाजित हो रही है, दो श्वसनियों में, दाईं और बाईं, और ये फेफड़ों के अंदर प्रवेश कर रही है। अब बच्चों यहाँ फेफड़ों के अंदर अगर आप देखो तो ये कितनी ज्यादा विभाजित हो गई है, और इसके अंतिम सिरों पर हमें छोटे बैलून के जैसे ये छोटे छोटे गोले दिखाई दे रहे हैं। तो इसकी डिटेल अपन अभी पढ़ेंगे आगे कि ये किस पैटर्न में विभाजित होती है। यहाँ पर एक पॉइंट और देखो, एक ये आपको इस तरह से मसल स्पेशीय स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ आप देख रहे हो बच्चों, ये कहलाता है डायफ्राम या तनुपट। ये हमारे वक्ष गुहा को, ये ऊपर है हमारी वक्ष गुहा और नीचे है हमारा पेट, है ना, उदर गुहा। तो ये वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करता है डायफ्राम, और ये फेफड़े को सिकुड़ने में और वापस रिलैक्स करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये था हमारा फेफड़ों की संरचना, ठीक है। और अब हम ये जो जाल जैसा पैटर्न आपको दिख रहा है, स्वशनी ने इतना सारा विभाजन कर लिया है, इसकी डिटेल पढ़ने चलते हैं। तो ये चित्र देखें, ये है बच्चों, सबसे पहले मैं इसको शुरू कर रही हूँ ट्रैकिया से, ट्रैकिया, और इनके हिंदी नाम जो है वो मैं इस तरफ यहाँ लिख रही हूँ, ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम कहते हैं श्वास नली। तो श्वास नली में पहला विभाजन होता है, फर्स्ट डिवीजन होता है, और ये ब्रोंकस, ब्रोंकस को हम कहते हैं श्वसनी, श्वसनी में विभाजित हो जाती है, और प्रत्येक श्वसनी फेफड़े के अंदर प्रवेश करती है, ठीक है। यहाँ तक का डिवीजन तो हम पढ़कर आए थे। अब देखो इसमें सेकेंड डिवीजन होता है, तो ये श्वसनी आगे विभाजित हो जाती है सेकेंडरी ब्रोंकस में, सेकेंडरी ब्रोंकस यानी कि द्वितीयक श्वसनी। अब इसमें थर्ड डिवीजन होता है नंबर थ्री, और ये डिवाइड हो जाती है टर्शरी ब्रोंकस में, टर्शरी ब्रोंकस का क्या हिंदी में नाम हो जाएगा, तृतीयक श्वसनी। फिर इसमें फोर्थ डिवीजन होता है, एक बार और विभाजित होती है, और ये ब्रोंक्यूल्स में परिवर्तित हो जाती है, बट जाती है, ब्रोंक्यूल्स को हिंदी में कहते हैं श्वसनिकाएं। ब्रोंक्यूल्स में फिर डिवीजन होते हैं और ये बदल जाती है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स को कहते हैं अंतस्थ श्वसनिकाएं। इसमें फिर विभाजन होता है और ये बदल जाती है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में, इसको हम कहते हैं श्वसन श्वसनिकाएं। अब बच्चों ये जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हैं, श्वसन श्वसनिकाएं हैं, इनमें बहुत सारे उप विभाजन होते हैं, और इन उप विभाजन के कारण बहुत छोटी छोटी वाहनियों में बदल जाती है, जिसको हम कहते हैं एल्वियोलर डक्ट्स, यानी कि वायु कूपिका वाहनी। ये बहुत छोटी छोटी वाहनियों में विभाजित हो गई। ये जो वाहनियां हैं, ये वाहनियां आगे एक कोश में खुलती हैं, जिसको हम कहते हैं एट्रियम, एट्रियम को हिंदी में कहते हैं वायुकूपिका कोश, और वायुकूपिका कोश के बाद में ये वायुकूपिका कोश फूल जाते हैं, छोटे बैलून जैसे स्ट्रक्चर्स में खुलते हैं, जिनको हम कहते हैं एल्वियोलर सैक्स या वायुकूपिका, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप, अगर ये चित्र देखो, ये वाला पोर्शन देखो, तो यहाँ पर आपको ये बहुत सारे छोटे छोटे गोले दिखाई दे रहे हैं। ये जो छोटे छोटे गोले दिख रहे हैं, ये है हमारी वायु कूपिकाएं। इसको थोड़ा सा, इस पूरे डायग्राम को यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको इनलार्ज करके इसकी और डिटेल को क्लियर करती हूँ। देखो बच्चों इस चित्र में आते हैं, तो हमारी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स ये उपविभाजित हो गई, और ये बहुत छोटी छोटी बहुत सारी, ये देखो ये डक्ट्स बन रही है यहाँ पर, ठीक है।
ये डक्ट्स बच्चों, मैं ये एक डक्ट लेके चल रही हूँ, ये एक डक्ट आगे आके कहाँ खुल गई, एट्रियम में। एट्रियम क्या है? एट्रियम इस तरह का एक कोश के समान संरचना है, और इस कोश के अंदर, ये है हमारा एट्रियम, क्लियर। इस कोश के अंदर बहुत सारे गोले जैसी संरचनाएं, बैलून जैसी संरचनाएं खुल रही है। कैसे खुल रही है ये देखो, ये एक वायुकोशिका, इसी तरह से ये देखो, इस तरह से ये दूसरी वायुकोशिका, ऐसे ही ये तीसरी वायुकोशिका, ऐसे इस तरह से बहुत सारी वायुकोशिकाएं होती हैं, और ये एट्रियम के अंदर खुली हुई होती है, और ये पूरा का पूरा एल्यूवेलर सेक या वायुकोशिका कोश कहलाता है। ये पूरी संरचना वायुकोशिका कोश कहलाती है। अब इन वायुकोशिकाओं के बाहर की तरफ हम अगर देखें तो हमें रक्त वाहिनियों का जाल दिखाई देता है, रक्त केशिकाओं का जाल दिखाई देता है। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये है रक्त केशिकाएं, रुधिर केशिकाएं या रक्त केशिकाएं, ब्लड कैपिलरीज, इनका जाल पूरा यहाँ पर बना हुआ होता है। और बच्चों एक यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अगर हम हमारे दोनों फेफड़ों के अंदर कुल मिलाकर कितने सैक प्रेजेंट हैं, तो बच्चों लगभग लगभग 60 करोड़ वायुकोशिकाएं, 60 करोड़, ये जो गोले दिखाई दे रहे हैं ना, तो ऐसे 60 करोड़ वायुकोशिकाएं जो हैं वो हमारे फेफड़ों के अंदर उपस्थित होती हैं, और ये वायुकोशिकाएं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसों का विनिमय करती हैं। ठीक है, तो अब ये गैसेस का विनिमय कैसे करती हैं, इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा डायग्राम और यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, और उसके माध्यम से मैं आपको इस बात को समझा रही हूँ। तो देखो, ये पर्यावरण से गैस अंदर आ रही है, तो जो हवा हम अंदर लेते हैं, हम जानते हैं कि वो ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की अधिक मात्रा यानी कि ऑक्सीजन रिच हवा जो है वो हमारे इस वायुकोशिका के अंदर प्रवेश कर गई। ठीक है, अब एक बार इसकी थोड़ी संरचना देख लो, तो ये जो आपको एक लेयर यहाँ पर दिखाई दे रही है ब्राउन कलर से, ये है बच्चों हमारी एपिथेलियल सेल या उपकला कोशिका। ठीक है, उपकला कोशिका की भित्ति, सबसे बाहर वाली सतह। फिर ये येलो कलर से आपको लेयर दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं आधारी कला, या इसको बेसमेंट सबस्ट्रेट भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में ये जो बाहर की तरफ आपको दिखाई दे रही है, ये है हमारी ब्लड कैपिलरी, रक्त केशिका। ठीक है, यहां पर बच्चों ये तीनों मिलकर, ब्लड कैपिलरी, बेसमेंट सब्सटेंस और उपकला कोशिका, ये एक उपकला कोशिका जो है ना, ये सिंगल सेल्ड लेयर होती है, केवल एक कोशिकाओं की ही बनी हुई परत होती है। तो ये तीनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का विनिमय करते हैं। तो देखो ये कैसे पॉसिबल होता है, यहाँ थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये यहाँ से ये जो ब्लड है, ब्लू कलर का ब्लड है, तो हम जानते हैं ये हम ऐसे ब्लड को रिप्रेजेंट करते हैं जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है ना, जिसको हम डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं। ये कैसा ब्लड है? ये है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये देखो यहां पर कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे कन्वर्ट हो रहा है, इस जगह पर वो कन्वर्जन हम देखेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो इसका मतलब है यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। तो देखो ये जो हमारी कैपिलरी है, रक्त केशिका है, तो रक्त जब यहाँ से यहाँ तक पहुंच रहा है तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जा रही है और ऑक्सीजन इसके अंदर मिल रही है। तो ये किस तरह से पॉसिबल हो रहा है? तो ये पॉसिबल होता है हमारी इस कैपिलरी के अंदर यहाँ पर। कैसे? देखो यहाँ से ये ऑक्सीजन वाली हवा हमारे बाहर से अंदर की तरफ पहुंची,
और हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को मिला दिया गया और कार्बन डाइऑक्साइड को यहां से वापस हमारी वायु कोशिकाओं में भेज दिया गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में से निकलकर वायु कोशिका में आ गई और ऑक्सीजन वायु कोशिका से निकलकर हमारे ब्लड के अंदर मिल गई। इस तरह से गैसों का विनिमय हो गया। अब पहली स्थिति, जब हमारे फेफड़े फैलते हैं, ठीक है, फेफड़े फैलते हैं, फैलने का मतलब है कि बाहर से ऑक्सीजन युक्त वायु अंदर आ गई, ये अंदर आ गई, ठीक है। अब दूसरी स्थिति क्या होगी, जब हमारे फेफड़े वापस संकुचित होंगे, जब वापस संकुचित होंगे तो इस फेफड़े के अंदर जो हवा है वो यहां से निकलकर बाहर चली जाएगी। तो अब अंदर कौन सी हवा भरी हुई है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से गैसों का विनिमय हमारे फेफड़ों की वायु कोशिकाओं में संपन्न हो जाता है। तो इसके साथ में ये वीडियो लेसन अपना पूरा होता है। इसके डायग्राम्स बनाइएगा, नोट्स लिखिएगा और नेक्स्ट वीडियो लेसन में अपन बात करेंगे श्वसन की क्रियाविधि कि वास्तव में यहाँ जो हमने ये एक पॉइंट पढ़ा कि फेफड़े सिकुड़ेंगे और फेफड़े फैलेंगे, तो वास्तव में हमारे फेफड़े कैसे सिकुड़ते हैं और कैसे फैलते हैं, इसके ऊपर सेकंड पार्ट लेकर मैं आऊँगी। तब तक नोट्स बनाइए और कोई भी अगर आपको पॉइंट यहाँ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में।